शिला माँ की। बाहर जो भक्त हैं, उन्हें अंदर बुलाइए। डरना मत बेटा, माँ के यहाँ तुझे अच्छा लगेगा। चलिए, माताजी ने आपको बुलाया। चलो बेटा। सुशीला माँ की जय हो। खुश रहो माँ। ये मेरी बेटी है रूपा, इसे अपने चरणों में ले लो माँ, इसका कल्याण करो। बेटी, तुम यहाँ हमारे साथ रहोगी? हाँ। तुम हमारी सेवा कर पाओगी? आओ मेरे पास। यानी यहां बैठो। सुशीला माँ की, सुशीला माँ की, सुशीला माँ की। अरे अनंत, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? आई, पिछले साल बाबा के बर्थडे पे कितना एंजॉय किया था ना, और आज देखना बेटा, तेरे पापा जहां भी होंगे ना, सही सलामत होंगे, और वो एक दिन लौट कर जरूर वापस आएंगे। भाई, बाबा को गायब हुए 5 महीने हो गए हैं। मैं तो माँ से बस हर दिन एक ही प्रार्थना करती हूँ कि तेरे पापा जहां भी है सलामत रहे, और पुलिस उनके आने की जल्दी ही खबर दे दे। क्या कर रही है तू? ओ खा मत यार, मोटी हो जाएगी तू। येड़ा है तू? येड़ा में क्या हुआ? अरे पागल, तेरे जितने येड़ा में से कोई भी नहीं है, तू हम सबकी माँ है। माँ सच तो कह रहा है मोहित। अरे अरे बीच में नहीं बोलने का। बाबा क्या गलत किया? क्या गलत किया बाबा? चल बाबा, क्या किया मैंने? सड़क के किनारे आवारा लड़कों के साथ मटरगश्ती कर रही थी, बाजारों औरतों की तरह हंस रही थी, और मुझसे पूछे क्या किया मैंने? दोस्त है वो मेरे बाबा। आए दोस्त तुम्हारे? सड़क चाप टपोरी नहीं है, और आई हंसी हंसी मजाक कर रही थी। क्या गलत किया मैंने? अरे क्या काय करता है शांत बाबू को? मैं इसकी जल्द से जल्द शादी करा दूंगा, नहीं तो ना करके चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और सुन, तू घर के अंदर रहेगी, बाहर निकलेगी ना तो टांग तोड़ दूंगा तेरी, संभाल इसको। आओ, आई भाभी ना, ऐसे कोई करता है क्या? बेटा, तू चुप हो जा, मैं बात करती हूँ उनसे। मुझे शादी नहीं करनी आई। चुप हो जा बेटा, मैं बात करती हूँ उनसे। अरे माँ, आइए ना माँ। सुशीला माँ की, सुशीला माँ की, सुशीला माँ की। खुश रहो। काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अब आप आइए ना माँ, बैठिए यहाँ, आइए आइए। माँ आप तो जानती है आजकल के बच्चों को, उनको अध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अध्यात्म तो हर इंसान के अंदर होता है, और सही समय आने पर अनंत खुद ही उसे पहचान लेगा। अब धन्य हो माँ, आप धन्य हो। माँ अगले महापरिषद की तारीख तय कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ आए। ये रहा पंचांग। 26 जून, 26 जून का शुभ मुहूर्त है, और स्थान हमेशा की तरह छाया का घर होगा। आपने तो मुझे धन्य कर दिया माँ। बोलो सुशीला माँ की, सुशीला माँ की, सुशीला माँ की। छाया, जो अमूल्य प्रसाद
तुम हमारे मंदिर से लेकर आई थी वो हमारे सभी भक्त जनों में बांट दो। अभी लाती। उसकी कृपा से हमारी इस बार की पूजा भी सफल होगी। अरे देखो ये मेरी बेटी प्राची, आओ बेटा रखो वहां पे। बस 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 बस। तो ये है मेरी बेटी प्राची। अरे पंडित ने तो कहा है दोनों की कुंडली मिल रही है एक दूसरे के साथ। हमें तो लड़की पसंद है। अब ये बताइए आप अपनी बेटी के सुख सुविधा के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हाँ जैसा आप कहो, मतलब टू व्हीलर, गोल्ड, सिल्वर, कैश, जो आप कहो हम तैयार है सबके लिए। इसे दहेज कहते हैं। अरे आप तो एक वकील की नौकरी करते हैं ना, आपको नहीं लगता दहेज मांगना या देना एक अपराध है? और तुम दहेज लेने में विश्वास रखते हो? हाँ क्या कर रहे हो जी? ये सब क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं, क्या यही संस्कार सिखाया आप लोगों ने उसको? अच्छा अंकल, और जो यहाँ आप अपने बेटे का सौदा करने आए हो ये कहाँ के संस्कार है? हमें इस घर से रिश्ता नहीं जोड़ना। चलो ऐसे तो सुनो तो तुमको बोला था ना मैंने ये अपना नाक काटेगी, देखा काट दिया ना नाक हमारे। अरे तो क्या गलत किया मैंने? जब शादी हम दोनों को करनी है तो दहेज इस बात से देना है फिर। चुप बैठ, जबान काट दूंगा तेरी। अब मैं जाऊंगा वहां पे, हाथ पे जोड़ूंगा उनके, उनको शादी के लिए राजी कराऊंगा। तुझे अजिंक्य से ही शादी करनी पड़ेगी, समझी? अंदर जा तू। भाई साहब आओ। भाई साहब हां एक तरी कुत्ते साल लात। चाहे कुछ भी हो जाए ये शादी होगी ही नहीं। कहाँ जा रही हो? घर से भागकर जा रही हो? तुम जिस सुख की तलाश में भटक रही हो वो सब मैं तुम्हें दूंगी। चलो मेरे साथ। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मॉडर्न जमाने में जहाँ लोगों को सुलझा हुआ और बहुत समझदार होना चाहिए, वहीं लोग अजीबोगरीब प्रथाओं और गतिविधियों में लिप्त नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे लोग अब अपने फायदे के लिए अहिंसा की जगह हिंसा का मार्ग चुनना बेहतर समझते हैं। कुछ लोग अब इंसानियत और हैवानियत में हैवानियत को चुनते हैं। लोग एक बात भूल जाते हैं कि अगर आज वो हैवान बन सकते हैं तो कोई उनसे बड़ा हैवान भी बन सकता है, क्योंकि हर शेर को एक सवा शेर जरूर मिलता है। आप लोग श्योर हैं कि वो भाग गई है? किसी दोस्त या सहेली के यहाँ गई होगी? नहीं नहीं सर, मैंने उसके सारे दोस्तों के यहाँ पता किया, लेकिन प्राची कहीं पे नहीं। और सर उसका फोन भी बंद आ रहा है। प्राची अपने सारे कपड़े और सामान भी साथ में लेके गई। और एक बात सर, कल वो मुझे बार बार गले लगा रही थी और एक ही बात बोल रही थी, आई लव यू आई। और तभी मुझे पता चला कि वो घर छोड़ के जाने वाली है। ये मेलो ड्रामा, ये अपना नाटक है ना, बंद कर, समझी? साहब वो दरअसल प्राची को देखने के लिए लड़के वाले आए थे, प्राची को शादी नहीं करनी थी इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई है। बस कोई बॉयफ्रेंड है उसका? नहीं नहीं साहब, ये मोहित वगैरह उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन लेकिन ये सब बातें इनको पसंद नहीं थी, इसलिए वो प्राची की जल्दी से शादी करना चाहते थे। काय चुकलो माझं, काय चुकलो माझं? अगर शादी नहीं कराता ना तो हाथ से निकल जाती लड़की वो। हाँ काय बोल
ये पुलिस स्टेशन है, तो लड़ाई करना पहले बंद करें। देखिए साहब, मैं मानता हूँ प्राची उन आवारा लड़कों के साथ खुलकर हंसी मजाक करती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अरे लड़की की जात है, कुछ तो कंट्रोल में होना चाहिए कि नहीं, बताइए। तो कंट्रोल रखने के लिए सोल्यूशन ये मिला आपको कि शादी करा दो। ठीक है, प्राची की सारी डिटेल्स इनको दे दीजिए। फोटो लाइयो, चलो। इनके मोहल्ले वाले और पड़ोसियों से जरा बात करके देखो, और बस स्टैंड और ऑटो टैक्सी स्टैंड वहाँ भी पूछो। कल ही गई है तो हो सकता है किसी ने देखा हो। ओके सर। मकरंद अंकल ने प्राची को थप्पड़ मारा था, और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी मारा। प्राची ने तुम्हें कभी बताया था कि वो कहीं जाने वाली है या घर छोड़ने के बारे में कुछ बताया था? नहीं सर। सर इनफैक्ट मकरंद अंकल ने उस दिन के बाद से प्राची को हमसे मिलने से भी मना किया था। हाँ पूजा बोलो। कहाँ? साईनगर के रिक्शा स्टैंड के पास। कल रात को प्राची नाम की एक लड़की मिसिंग है, उसका लास्ट लोकेशन यहीं का दिखाई दे रहा था, करीब 2 बजे। कुछ याद है? नहीं कुछ याद नहीं है सर। ये देखो ये लड़की थी। हाँ याद आया साहब, वो क्या हुआ ना, कल मैं मेरा टिफिन दुकान पे ही भूल गया था, इसलिए मैं रात को लेने को आया, तब मैंने इस लड़की को एक औरत के साथ देखा था साहब। कौन थी औरत? वो तो पता नहीं साहब, क्योंकि मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया साहब, लेकिन अच्छे घर के लग रही थी साहब, क्योंकि साड़ी और जेवर पहनी थी उसने। और कुछ याद आ रहा है? नहीं साहब। इसका मतलब है प्राची ने टैक्सी या ऑटो नहीं ली थी, लेकिन वो गई कहाँ? आई मीन इक्तो। अरे अनंत बेटा, खाना रख लिया ना? हाँ आई। और वो मेडिकल किट? आई 3 दिन हाइकिंग पे जा रहा हूँ, उस हिसाब से सब ले लिया है। हाइकिंग पे ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते ना। हाँ पापा समझी। अच्छा ध्यान रखना अपना। आप भी ख्याल रखना। हाँ हाँ। खुश रहो, ये प्राची है, इसे हमारी मदद की जरूरत थी। ये अपनी जिंदगी में अपनी खुशियों और उद्देश्यों को लेकर भटक रही है, तो मैंने सोचा कि मेरी परम भक्त से ज्यादा इसकी देखभाल कौन कर सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ लेकर चली। ये सब आपकी कृपा है माँ, वरना हम तो तुच्छ मनुष्य है। प्राची मेरे बेटी जैसी है और वो आज से यही रहेगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ जाओ बेटा, डरो नहीं। जय हो माँ। माँ तुम दोनों की रक्षा करे। खुश रहो, खुश रहो। प्राची इसे बस अपना ही घर समझना, बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ चलो आओ। अरे शर्मा क्यों रही हो, आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। आज आओ बैठो आराम से। कैसा लगा? अच्छा भूख तो लगी होगी ना, पहले तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। अब बाथरूम वहाँ है। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, आज यह साबित हो गया।
गड्ढा खोदो। चार स्केलेटन्स मिले हैं सर, ये देखिए। जितना टाइम बीत गया मुझे लगता नहीं कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी सब एक बार अच्छे से चेक करिए, क्या पता हमारा नसीब अच्छा हो। पूजा, ये सारे स्केलेटन्स फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। इसका नी रिप्लेसमेंट हुआ है। इस नी कैप पे एक 9 डिजिट का यूनिक आईडी होता है, उस आईडी से हमें इसकी पहचान करने में आसानी होगी। एक की पहचान होगी ना, मुझे लगता है सबकी पहचान करने में आसानी होगी। वाह काकी, ये कुर्ता कितना सुंदर है, आप इन्हें बेचती हैं क्या? हाँ, इन्हें मैं होलसेल मार्केट से खरीदती हूँ, फिर यहाँ के लोकल शॉप में बेचती हूँ, लेकिन अभी मुझे इस काम में किसी की सहायता की जरूरत है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम ही मेरा हाथ बटा दो, हम दोनों साथ में मिलकर बेचेंगे, लेकिन पहले ये महापूजा होने दो। सर, उस केस पर हमारे खबरियों को काम पे लगा दिया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 3 बॉडी फीमेल्स की है जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है, और 1 बॉडी मेल की है जिसकी उम्र 45 से 50 साल के बीच में है, और सिर्फ तीनों लड़कियों की मौत के बीच में 6-6 महीने का गैप है। पहली मौत हुई थी 1.5 साल पहले, दूसरी मौत हुई थी 1 साल पहले, और तीसरी मौत हुई थी 6 महीने पहले। मौत की वजह? सर, किसी भारी चीज़ से बार बार वार करने की वजह से मौत हुई थी। और वो आदमी? सर, उसकी मौत 5 महीने पहले हुई थी, लेकिन मारने का तरीका सेम था, और सर हमें जो नी कैप मिला था वो इसी आदमी का था, और उसके यूनिक कोड से हमने पता लगा लिया है कि उसका ऑपरेशन वर्षा ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में हुआ था। नाम क्या उसका? प्रमोद मसूरकर, गोकुल सोसाइटी में रहता था। ये प्रमोद मसूरकर वही है ना जिसके मिसिंग कंप्लेंट हमारे पुलिस स्टेशन में कुछ दिनों पहले हुई थी? जी सर, मैंने दोबारा चेक किया, उसकी वाइफ छाया ने कंप्लेन की थी। ये आदमी उन 3 लड़कियों के साथ उस गड्ढे में पहुंचा कैसे? कनेक्शन क्या है? अरे अनंत, तू तो 3 दिनों बाद आने वाला था, इतनी जल्दी कैसे आया? तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए वापिस आ गया। क्या हुआ तेरी तबीयत को? ठीक तो है? छाया मसूरकर? जी हाँ, आइए ना, अंदर आइए। आपके पति प्रमोद मसूरकर के बारे में बात करनी थी। कहाँ है मेरे पति, कुछ पता चला क्या? देखिए, मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि उनकी मौत हुए काफी दिन हो चुके हैं। उनकी बॉडी पूरी तरह से डीकम्पोज हो गई थी और हमें बेसिकली उनका कंकाल मिला। उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी और उस नी कैप के नंबर के आधार पर हम अब तक पहुंचे। ये नहीं हो सकता अनंत, ये क्या हो गया? इन्हें कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, किसने किया इनके साथ? देखिए, मैं आपकी अवस्था समझ सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये सही समय नहीं है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें आपके बेटे का डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ेगी, और उसी के बाद हम आपको वो अवशेष सौंप सकते हैं। डीएनए टेस्ट के लिए कब और कहाँ आना है आपको ये बता दें। जी सर। आंटी, आंटी क्या हुआ? रज बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे पति गुम हो गए। हाँ। अभी अभी पुलिस ने आकर बताया कि उनकी लाश मिल चुकी है। आई, ये कौन है? ये प्राची है बेटा, ये भी बड़ी मुसीबत में थी। सुशीला माँ ने मुझे इसकी देखभाल करने के लिए बोला है। मिनट, मैं जो कह रही हूं वो ध्यान से सुनो।
एक क्लू इतना बारीकी से देख लिया, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक कैब ड्राइवर प्रमोद मसूरकर को कोई क्यों मारेगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तीसरी लड़की की लाश को जब कातिल गड्ढे में डाल रहा था तब प्रमोद मसूरकर ने कातिल को देख लिया और इसीलिए कातिल ने उसे मार दिया। ऐसा होता तो कातिल उसको ऑन द स्पॉट मार डालता, एक महीना वेट क्यों करता। प्रमोद मसूरकर का उन तीनों लड़कियों से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सर छाया मसूरकर आइए। छाया जी हम फिर से एक बार जानना चाहते हैं, जिस दिन आपके पति गायब हुए उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? अनंत उससे बाहर चला गया था तो मैंने सोचा कि मेरे भाई विलास के घर चली जाती हूँ। प्रमोद ने मुझसे कहा था कि वो अपने कैब से मुझे छोड़ आएंगे। हम जब वहाँ चले गए। अरे आइए ना थोड़ी देर अंदर चलते। नहीं नहीं अभी धंधे का टाइम है, बाद में आता। बाय। सर यही बैठा था मैं उस दिन जब छाया आई अंदर मुझसे मिली और हम लोग अंदर चले गए। पूरे दिन छाया हमारे साथ ही थी, रात तक प्रमोद घर नहीं आया। उसका फोन भी बंद था तो हमें चिंता हुई। दूसरे दिन हमने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, फिर पता चला कि प्रमोद नहीं रहा। अगर मुझे पता होता कि उस दिन मैं उसे आखिरी बार मिलने वाला हूँ तो मैं घर के बाहर जाके उसे ज़रूर मिला था। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने उस दिन प्रमोद को नहीं देखा? मैं जहाँ बैठा था वहाँ से मुझे प्रमोद दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो कैब में छाया को छोड़ने आया था, मतलब प्रमोद ही होगा ना। तो छाया ने उसे बाय भी बोला था। ये भी तो हो सकता है कि कैब उस दिन प्रमोद नहीं बल्कि कोई और चला रहा हो और छाया ने ये दिखाने की कोशिश की हो कि वो प्रमोद को बाय कर रही थी। सर अगर वो प्रमोद था भी तो हमें ये नहीं पता कि वो यहाँ से कहाँ गया, उस गड्ढे तक कैसे पहुँचा। सर इनफैक्ट हमें आज तक उसकी कैब भी नहीं मिली है। एक मिनट सर। हेलो क्या? ठीक है सर, अनंत का DNA प्रमोद के DNA से मैच नहीं हुआ। सर अनंत को हमने गोद लिया है। जब शादी के कई सालों तक हमें कोई औलाद नहीं हुई तब प्रमोद और मैंने एक बच्चा गोद लेने का सोचा। अनंत को हमने एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था जब ये एक साल का था। अनंत को हमने कुछ नहीं बताया, नहीं तो ये टूट जाता। मेरा अनंत समझदार है, वो समझ जाएगा। विलास ने हमें बताया कि आखिरी दिन वो प्रमोद से मिला नहीं। प्रमोद ही आपको विलास के घर छोड़ने आया था? हाँ बिल्कुल, भला उनकी कैब और कौन चलाएगा, और मैं किसी और को क्यों चलाने दूंगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति के जाने के बाद आप उन्हें और मुझे बदनाम मत कीजिए। मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ खो चुकी हूँ, अब मुझे मेरी इज्जत और सम्मान नहीं खोना है। जल्दी भेज दिया जाएगा, कब और कहां ये नहीं पता। अच्छा और कौन करेगा ऐसा? यहाँ मैं छाया आंटी के साथ ज्यादा सेफ हूँ। मेरी आई ही तुम्हें भेजने वाली है, तुम्हारी बोली लगने वाली है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या अनंत? कसम से मैं सच बोल रहा हूँ, उस दिन मैंने आई को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। एक मिनट, मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। वो लड़की तो मेरे हाथ से ही खाना खाती है। हाँ उसे महाप्रसाद के लिए तैयार करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ हाँ फिगर विगर भी ठीक है, खूब बोली लगेगी देखना। तुम्हारी भला इसी में है कि तुम मेरे साथ भाग चलो, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। इसी बीच उन बॉडीज की DNA रिपोर्ट भी आ गई और उन तीन लड़कियों की पहचान भी हुई। वो लड़कियां थी नागपुर के पास मानसर की रूपा त्यागी, अनीता कांबले और सुप्रिया धोत्रे। पुलिस ने इन लड़कियों के माँ बाप को कांटेक्ट किया और उनके बारे में खबर दी कि अब उनकी लड़कियां इस दुनिया में नहीं है। इस बात से माँ बाप आहत हुए पर उन्हें क्लोजर भी मिला, लेकिन कातिल का पता अभी भी नहीं चला था। देखना ये था कि क्या पुलिस अब कातिल तक पहुंच पाती है इससे पहले कि कातिल अपना अगला शिकार करें।
अब आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए और जोर से सांस लीजिए। जगत माता ही सर्वोपरि है। आंखें बंद कीजिए और एक लंबी सांस लीजिए। आपसे कितनी बार कहा है कि जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए। राची भाग गई है। क्या मतलब भाग गई है? राची घर में नहीं है और ना ही उसका सामान है, और हाँ अनंत का भी सामान नहीं है। तुम्हारा मतलब है दोनों भाग गए हैं? वो सब मुझे नहीं पता, अभी आपको ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे अनंत की चिंता हो रही है, जब से उसे पता चला है कि उसे गोद लिया गया है वो बदल सा गया है, वो पहले जैसे नहीं रहा। छोड़ोगे? देखो मेरी आई बहुत सारे लोगों को जानती है, अब तक उसने लोगों को हमारे पीछे लगा दिया होगा और वो सबसे पहले तुम्हारे घर जाएंगे, तो हमारी भलाई इसी में है कि हम कुछ दिन छुप के रहे, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा पक्का। नहीं कुछ नहीं। अरे भाई इसको देखा किधर? देखिए लड़की को। अरे हाँ आगे जो बिल्डिंग का काम चल रहा है ना उसमें जाते हुए देखा है। हाँ भाई। अरे बस क्या यार, अरे मैंने अभी तक उसे इस्तेमाल नहीं किया है। भाई तूने पैसे दिए वो तेरी है, भाई पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ भाई टेंशन मत लेना। हेलो सर, जिस लड़की की मिसिंग कंप्लीट थी वो मिल गई है मुझे। सर वो साड़ी वाली लेडी मुझे ढाबे के पास मिली थी, वो मुझे ये घर में लेके गई। उस औरत ने मुझे रहने की जगह दी, खाना दिया और ये भी कहा था कि वो मुझे आगे जाके काम भी देगी। नाम क्या है उन औरतों का? सुशीला माँ और छाया मसूरकर। छाया आंटी गोकुल सोसाइटी में रहती है। छाया मसूरकर, इनका बेटा है ना अनंत? हाँ सर अनंत। सर उसी ने मुझे बताया था कि छाया आंटी मुझे बेचने वाली है, उसने मुझे घर से भागने में मदद भी की, लेकिन सर वो भी झूठ बोल रहा है। मैंने अभी तक उसे इस्तेमाल नहीं किया है। भाई तूने पैसे दिए वो तेरी है, भाई पे भरोसा नहीं है क्या? तो इसका मतलब जब हम छाया मसूरकर के घर उनके पति की मौत की खबर देने गए थे तुम उसी घर में थी?
पर सर जब तक वह बाहर आई आप लोग जा चुके थे। और जब हम उनको ये बताने गए थे कि अनंत का डीएनए प्रमोद से मैच नहीं करता तब? सर छाया आंटी ने बताया था कि आप लोग आने वाले और मैं बाहर ना आऊँ, अगर मैं बाहर आती तो आप लोग मुझे मेरे पापा के पास सौंप देते। सर छाया के घर पर जाने के पहले हम लोगों ने उसे फ़ोन किया था, शायद वो अलर्ट हो गई हो। ये सुशीला माँ दिखती कैसी है, कोई फोटो वोटो है उसकी? नहीं सर फोटो नहीं है, लेकिन वो साड़ी पहनती है, बड़ा टीका लगाती है और बहुत सारे जेवर पहनती है। एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, हमारे कांस्टेबल ने वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पूरी छान मारी लेकिन अनंत का कहीं पता नहीं चला। फोन ट्रैक करो उसका, जल्द से जल्द चाहिए वो मुझे। स्मिता जी अपराजी का ख्याल रखिए। और चल के छाया मसूरकर से बात करते हैं, बहुत हो गई प्यार से बातचीत, अब सच तो निकालना पड़ेगा। गला दबा के मारा गया है। सारा घर अच्छे से चेक करिए। शायद इससे गला घोटा गया। सर दरवाजे पर फोर्स एंटर के कोई भी निशान नहीं मिले, इसका मतलब है छाया कातिल को जानती थी और छाया का मोबाइल भी गायब है। सर ये देखिए, से बुक देख के लगता है कि बुक जादू टोने की है सर। और ये प्रसाद मंदिर के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिला। और सर ये सीडीज़, सर इन सीडीज़ पे शायद उन तीन लड़कियों के नाम मिले हैं जिनकी स्केलेटन्स हमें उस गड्ढे में मिले थे। सुप्रिया धोत्रे, अनीता कामले, रूपा त्यागी। देखिए इस लड़की को, सुशीला माँ ने इस लड़की को 100% शुद्ध कर दिया है। जो भी इसके साथ सोएगा उसे शक्ति और समृद्धि प्राप्त होगी। ये आप सभी का महाप्रसाद है। तो अब बोली लगाने का समय है। और हाँ, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वो इसके साथ सबसे पहले सोएगा, और जो दूसरी हाईएस्ट बोली लगाएगा उसे इसके साथ सोने का दूसरा मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, मौका सभी को मिलेगा। सो इस औरत की आवाज पक्का छाया की ही है। इसका मतलब अनंत ने प्राची को छाया के बारे में जो बताया था वो सही था, और प्रमोद की बॉडी उन बाकी लड़कियों के साथ उन गड्ढों में मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि छाया का प्रमोद की मौत से कोई ना कोई लेना देना है। सवाल यह है कि छाया ने प्रमोद को क्यों मारा। प्राची को बुलाओ। यस सर। प्राची, क्या अनंत ने घर से भागने से पहले छाया का खून किया था? नहीं सर, नहीं पता। उस दिन हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे घर से। तो हॉल खाली था? जी सर। इसका मतलब अनंत ने वापस आकर छाया का खून किया, या हो सकता है छाया को किसी और ने मारा। प्राची, प्राची, बाबा, बाबा, प्राची, बाबा। I'm sorry. मुझे घर जाना है। ठीक है बेटा, अपने घर चलते। थैंक यू स्वेटर साहब, थैंक यू। सर आनंद पकड़ा गया है, हम उसे पुलिस स्टेशन लेके आए हैं। सर, सर, सर।
सर आप तो कोई गलत फहमी हुई है सर, मैं प्राची की डील नहीं कर रहा था। मैंने उस दिन आई को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। वो लड़की तो मेरे हाथ से ही खाना खाती है। हाँ, उसे महाप्रसाद के लिए तैयार करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ हाँ, फिगर विगर भी ठीक है, खूब बोली लगेगी देखना। लेकिन मुझे नहीं पता वो फोन पे किसके साथ बात कर रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी सीधी सादी आई ऐसा भी कर सकती है। उस दिन मैंने अपने कानों से सुना, इसलिए मैंने प्राची को बचाने का सोचा सर, ताकि तू प्राची को किसी और को बेच सके। बोल। नहीं सर। किसको बोल रहा था, जब मर्जी आके ले जाना। सर वो मैं अपने दोस्त के सेकंड हैंड कार के बारे में बात कर रहा था, आगे मैंने किसी को बेची थी, ब्रोकरेज के लिए कर रहा था सर। सर कसम से मैं प्राची के बारे में बात नहीं कर रहा था। जब प्राची तेरे हाथ से निकल के भाग गई तो घर जाके अपनी आई का मर्डर कर दिया। सर कसम से मैंने अपने आई को नहीं मारा, मैं तो घर जाना ही नहीं चाहता था। मैंने सोचा मुंबई जाऊंगा, अपनी लाइफ बनाऊंगा। सर हाँ, कल सुबह सुशीला माँ घर आने वाली थी आई को मिलने। वो मुझे कभी पसंद नहीं आई सर, पर आई उनके साथ खुश रहती थी इसलिए मैंने कभी उन्हें मना नहीं किया। सुशीला माँ, नंबर है उसका? नहीं सर। जब तक इसकी कहानी वेरीफाई नहीं हो जाती ये यहीं रहेगा। इस सुशीला माँ को ढूंढना पड़ेगा। चलो तब तक प्राची से बात करते हैं। साहब मेरी बेटी प्राची फिर से गायब हो गई है। फिर से? जी। कैसे, क्या हुआ, क्या था? साहब प्राची के घर आने के बाद मैं शिरडी चली गई थी साईं बाबा का दर्शन करने, और आज सुबह जब मैं आई घर पे तो प्राची घर पे नहीं थी। हाँ साहब, रात तक सब कुछ ठीक ठाक था साहब, प्राची इसके आने का इंतजार भी कर रही थी। सुबह उठकर मैंने देखा तो प्राची घर पर नहीं थी, उसका फोन भी यहीं पे पड़ा हुआ था। ऐसे कैसे फोन छोड़ के चली गई, कहाँ गई होगी? यहाँ सीसीटीवी है, अगर ये चल रहा है तो उसका फुटेज निकलवाओ और देखो कहीं और आसपास कैमरे लगे हुए हैं। ओके सर। पूजा सर, छाया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। सर घर के मंदिर के पास मिले उस चमकीले कपड़े से ही उसका गला दबाया गया था, गले पे मिले फाइबर्स उस कपड़े से मैच करते हैं, और सर मंदिर के पास हमें जो प्रसाद का पैकेट मिला था उसमें ड्रग्स थे। सुशीला माँ के बारे में कुछ पता चला, उसका नाम एड्रेस फोन नंबर कैसे दिखती है कुछ भी? सर हमने ढाबे के मालिक गणेश और आनंद के साथ भी बात की, उन दोनों ने जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया था वो एक दूसरे से मैच नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं चला सर। तो पता करो, अगर वो गायब हो सकती है तो कातिल भी हो सकती है। सर एक लड़की की लाश मिले उसी गड्ढे में जहाँ और भी बॉडीज मिली थी। वहाँ चोरी की ड्यूटी थी ना? यस सर। क्या करता था तुमची मनसा, एक काम दिला होता ते सुधा होता है। चला सर, मुझे थोड़ी आग लग गई थी सर, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। कल आके अपना लेटर ले जाना, अरे जाके आराम से सो। सॉरी सर। सर आसपास का सारा एरिया चेक किया, मोबाइल पर्स आईडी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सर प्राची के प्राइवेट पार्ट्स के आसपास काफी चोट आई है, काफी टॉर्चर किया गया है उसे, रेप के भी चांसेस है, सीमेन सैंपल से क्लियर हो जाएगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और अनंत का सीमेन सीमेन सैंपल से मैच कर दो। यस सर। सर अनंत का डीएनए सीमेन सैंपल से मैच नहीं हुआ। इसका मतलब अनंत ने रेप नहीं किया, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि अनंत ने प्राची को किसी और को नहीं बेचा। सर प्राची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका कत्ल बार बार किसी भारी चीज से वार करने की वजह से हुआ है, जैसे कि बाकी तीन लड़कियों का हुआ था। सर प्राची की बॉडी से पांच लोगों के सीमेन सैंपल्स मिले। सर बहुत ही कम समय में पांच लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया था। सर 23 तारीख की रात की प्राची के घर के बाहर जो रोड है वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिस दिन हमने प्राची को मकरंद को सौंपा था।
सब क्यों मार रहे मुझे? कौन थी वो औरत? कौन थी वो औरत जिसके हवाले तूने प्राची को किया? बोलने तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। साहब आप इन पे क्यों हाथ उठा रहे हो? जब ये बताएगा ना इसने क्या किया है, आपका भी हाथ उठेगा इसके ऊपर। बता दो साहब, बता दो साहब। सब उस दिन एक औरत हमारे घर पर आई साहब, उसने कहा प्राची अब शुद्ध नहीं रही, वो कई लोगों के साथ सो चुकी है, अगर ये बात समाज में पता चलती तो क्या होता हमारा। साहब वो औरत प्राची के बदले में, मैंने पैसे ले लिए साहब, प्राची के दूध में मैंने बेहोशी की दवा डाल दी और जब प्राची बेहोश हो गई तब मुझे नहीं पता। सच बताता हूँ साहब, आई सपोर्ट मैंने उसका चेहरा नहीं देखा साहब, उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था, पर ना उसने बहुत सारे जेवर पहने हुए थे और कुछ चमकीली भड़कीली साड़ी पहनी हुई थी साहब। क्यों तो रहा साहब? साहब साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब अनंत मकरंद और दुकानदार गणेश तीनों की मदद से उस औरत का स्केच बनवाओ। सर ये तो झाड़े पट्टी नाटक के आर्टिस्ट है, हमारे गांव में मैंने इसे देखा था सर, इनका ग्रुप है गांव गांव में जाके नौटंकियां करता है। इसका असली नाम क्या है? सर नाम तो नहीं पता। अपने गांव में बात करो और इसकी नाटक मंडली और इसका नाम जरा पता करो। ओके सर। जरा पता तो चले ये सुशीला माँ है कौन। सर जाड़ी पट्टी नाटक ग्रुप जिसमें सुशीला माँ काम करती थी वो कई साल पहले टूट चुका है, लेकिन सर उसके बारे में हमने सब कुछ पता कर लिया है। सर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है, आप यकीन नहीं करेंगे। जी सुहास मात्र है। हाँ मैं हूँ। अरे सर क्या क्या बात क्या है सर, उस बैग में क्या है? बैग में सर जो होता है वही है। खोलो जरा बैग, खोलो देखें कि बैग में क्या होता है। अरे कुछ नहीं कपड़े हैं बस सर, मेरी प्राइवेट चीज है, आप ऐसे कैसे हाथ लगा? कोई बात नहीं, हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अरे सर फिर भी ये सर, ये किसके कपड़े हैं? ये मेरे बुआ जी के कपड़े हैं। बुआ जी कहाँ हैं? मैं जब से आया हूँ मिल नहीं रही है और उनके कपड़े यहीं रह गए हैं। मैं बताऊँ बुआ जी कहाँ हैं? आपको पता है कहाँ हैं? ये कपड़े पहन ले पांच मिनट में, नहीं तो इतना मारूंगा ना। उठा चल चल फटाफट। नाटक खत्म हुआ, अब कैरेक्टर से बाहर आ जा, सारी कहानी शुरू से शुरू कर। चल सर गांव में मेरी नाटक कंपनी खत्म होने के कगार पे थी, तुम्हें शहर चलाया और यहाँ झाड़ी पट्टी नाटक में मैं औरत का रोल करने लगा, और औरत का रोल करते करते मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं सुशीला माँ बनकर अध्यात्म में लोगों को फंसा कर उनसे पैसे कमाऊं। और सर मैंने ऐसा किया भी और तभी मुझे छाया मिली। छाया को मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया सर। सर मैं छाया से प्यार करने लगा था। सर मैंने छाया को काला जादू भी सिखाया। फिर हम लोग सीक्रेटली एक प्रोस्टिट्यूशन का धंधा शुरू कर दिया। हमारे बड़े चुनिंदा क्लाइंट होते थे जिनको शुद्ध और कम उम्र की लड़कियां पसंद हैं। और सर महाप्रसाद के नाम पर हमने लोगों को ड्रग्स देना शुरू किया। उससे उनको सर बड़ी असीम सुख की प्राप्ति होती थी।
और प्रमोद को तुम दोनों के बारे में पता चल गया? नहीं सर, उसे छाया के बारे में पता चल गया तो वो उसे धमकी देने लगा कि ये काम बंद कर दो नहीं तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। तो फिर सर हम दोनों ने एक प्लान बनाया। जब प्रमोद छाया को लेकर उसके भाई के घर छोड़ने जा रहा था। अरे रुको रुको रुको, एक मिनट, ये विलास का दोस्त है सुहास। आ जाओ ना गाड़ी में बैठो, हम बस इसी तरफ जा रहे हैं। बैठो बैठो। बस बस यहीं रोक दीजिए। यहाँ कहाँ उतरोगे? और इसके बाद तुमने छाया को घर छोड़ा और विलास को लगा कि तुम प्रमोद हो। लेकिन वहां से लौटते हुए मैंने कैब तालाब में डुबो दी और प्रमोद का फोन नागपुर से 50 किलोमीटर दूर ले जाके तोड़ दिया। सर उन तीन लड़कियों को क्यों मारा? मारा कहाँ सर, बलि दी है अपने क्लाइंट्स की तरक्की के लिए और ये तो हमारी पूजा का ही हिस्सा है सर। छाया को क्यों मारा? मुझे पता चला 26 जून को जब हमारे यहाँ महाप्रसाद की पूजा थी कि छाया हमारे क्लाइंट से एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड कर रही है और उसने मुझे बताया भी नहीं सर। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और उस रात मैंने अनंत और प्राची को बात करते हुए देखा था। क्या कर रहा है तू यहाँ पे? जासूसी कर रहा है ना तू मेरी? अभी रुक, मैं छाया आंटी को तेरी शिकायत करती हूँ। तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाली हो। क्या मतलब? तुम्हें जल्दी भेज दिया जाएगा। अच्छा, और कौन करेगा ऐसा? मेरी आई ही तुम्हें भेजने वाली है। उस रात मैं छाया के पास ही रुका था। मैंने छाया को उस प्लान के बारे में नहीं बताया और इस बार मैंने सोच लिया कि प्राची को मैं अकेले पकड़ूंगा और उसको बेचकर पैसा कमाऊंगा। और किया भी ऐसे ही सर, मैंने मकरंद के साथ उसकी डील कर दी। लेकिन छाया भी बहुत चालाक थी, उसे एक दिन पहले ही पता चल गया था तो उसने मुझे अपने घर बुलाया और धमकी देने लगी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी, मैं पुलिस भी जाऊंगी, तुम्हारा भाना फोड़ दूंगी मैं। अभी बताती हूँ इसको। खुश रहो, प्राची को भी मैंने मार के गड्ढे में डाल दिया और मेरी पूजा संपन्न हो गई, मेरे क्लाइंट्स की तरक्की होगी और उनकी तरक्की में अब कोई बाधा नहीं है सर। काय संग तो काय अभिक्षेप तो मन साला चार्जशीट बनाओ इसकी। पुलिस ने सुहास और छाया के नए पुराने सभी क्लाइंट्स को अरेस्ट किया और उन्हें कड़ी सजा दिलवाई। लेकिन आज भी हमारे समाज में न जाने ऐसे कितने क्लाइंट हैं जो सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं और अपनी कपोल कल्पनाओं को पूरा करने के लिए वो मासूम जिंदगियों को रोंदने से भी नहीं चूकते। आज के दौर में तरक्की और पैसा कमाने के लिए लोग मेहनत पर यकीन नहीं करते बल्कि वो आसान रास्ता ढूंढते हैं जिसमें दूसरों के खून से वो अपना महल बनाने का सपना देखते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि महल वही खड़ा रहता है जो आपके खून पसीने से बनता है। तो लेडीज, आज की क्लास यहीं खत्म होती है, कल फिर मिलते हैं। मैं बहुत थक गई आज। तेरा तो 8वां महीना चल रहा है फिर भी इतना काम कर लेती है। मेरा 7वां महीना चल रहा है, मैं बिस्तर से पैर भी नहीं निकाल पाती हूँ। तुम भी तो निकाल ही लेती हो ना तुम्हारे बच्चे के लिए। तो बस फिर मेरा काम भी मेरा बच्चा ही है। चले, मुझसे तो ये एक नहीं झेला जा रहा, आप दो दो कैसे झेल लेती हो? सच कह रही हूँ, पहले मैं योगा अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए करती थी, पर अब इसको मेंटेन करने के लिए। मनप्रीत तू बिल्कुल सही कह रही है, और एक बार बच्चा हो गया ना तो फिर तो पति भी ध्यान नहीं देता है। सीरियसली दीदी? हाँ। क्या दीदी, आप लोग भी चलो चलो। मैं तो कह रही हूँ शादी के बाद तो सारे पति ऐसे ही हो जाते हैं। सही बात, मैं जा रही हूँ। बाय।
आ गई तू? हाँ। अंजू? हाँ? क्या हुआ, कोई टेंशन है? नहीं, कुछ भी नहीं। दीदी आप ना घर चलो, मुझे कोई जरूरी काम है कॉलेज में, बस वही निपटा के आ रही हूँ। पर अभी तो तू कॉलेज से आई है। हाँ वही से ही आ रही हूँ, लेकिन मेरा ना कुछ सामान श्रद्धा के पास रह गया, बस वही लेने जाना, इम्पोर्टेंट है। बाय बाय बाय। अरे जल्दी आना, तुझे पता है ना मेरे ससुराल वालों को देर से आना पसंद नहीं है। कहाँ जा रही है पता नहीं। रुको, ये क्या है इतना नमक? इसे खाकर कौन वापस आएगा यहाँ पे? मैं ढाबा कैसे चलाऊंगी? अरे इसीलिए तो बोला है मैं, इंसाफ बंद कर दीजिए ये ढाबा। अरे औरतों के बस का नहीं है ये ढाबा बाबा चलाना। बग्गा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम कब समझोगे आप? मैडम दाल में नमक और आदमी में गुस्सा, अगर दोनों ज्यादा हो जाए ना तो स्वाद खराब कर देते हैं। आप बेच क्यों नहीं देती हमें? अरे सबको पता है आप कितना नुकसान उठाती हो। ऐसा है, अपने बाप लोगों से जाके कह दो कि उनकी औकात नहीं है अंजू का ढाबा खरीदने की, और ना तेरी औकात है मुझे डरा सकने की। आई समझ में? प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आता क्या? घुसता नहीं कुछ दिमाग में? औकात दिखाओ इसको अपनी। छोड़ो, जाओ यहां से। निकलो यहां से, चलो निकलो यहां से अभी के अभी। हट जाओ, देख लग जाएगी। जाओ यहां से, चलो निकलो, हट जाओ, दोबारा मत आना। चलो निकलो, इसे बाद में देख लेंगे। चलो चलो। धीरे, ये मर्दों को सुधारने का आंदोलन तुम थोड़ी देर बाद नहीं कर सकती? और ये ढाबा कुछ दिनों के लिए बंद कर दो। अरे अपनी हालत तो देखो, और वैसे भी तुम दोनों की शादी होने वाली है 2 सप्ताह में। वो चाहते ही यही है कि मैं अपना ढाबा बंद कर दूं, पर मैं झुकूंगी नहीं। अरे माँ एक मिनट। अंजू मुझे पता है तुम बहुत ब्रेव हो, पर अपना ख्याल रखा करो ना। पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पर, अरे इसको कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता। रेडीमेड बच्चों की दुकान, अंजू का मकान, शादी की कोई गारंटी नहीं पर मजा पूरा। किसने लिखा ये? हाँ किसने फेंका बताओ, किसने लिखा? आओ सामने, दिखाओ अपनी शक्ल, आओ ना। छोड़ो, जाने दो ना, तुम क्यों बेकार में अपना खून जला रही हो? जाने दो। अरे भगवान से डरो तुम लोग, जिस दिन सामने आ गए ना छोड़ूंगी नहीं मैं, बता रही हूँ मैं। छोड़ो कोई नहीं, आओ ना सामने, छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको। चलो प्रीति, ले बेटा, थोड़े दिनों में तेरी ना गोद भराई है, मेहमान आएंगे तुम्हारी ये हड्डियां देखकर क्या सोचेंगे? मम्मी जी हड्डियां? मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया है 2 महीने में। चुप कर, ऐसे नहीं बोलते। कौन था वो? कॉलेज का फ्रेंड था। फ्रेंड था या बॉयफ्रेंड था? जो ऐसे गली में चिपक के बात कर रही थी, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना हम सबकी इज्जत पे क्या असर पड़ता है? ओ प्लीज,
इज्जत का लेक्चर ना आप लोग तो मुझे मत ही दो, क्योंकि अगर मैंने अपना मुंह खोला ना तो बहुत बुरा लगेगा। देखा, एक दिन ना तुम्हारी बहन ना हम सबके चेहरे पे काली पुतवाई। अभी बहू पर चिल्लाओ मत, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। और वैसे भी एक पहले जो हुआ उसके बाद तुझे इसका और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे पोते को पैदा होने से पहले ही मार दिया। माफ प्लीज, ये उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये सही वक्त नहीं ये सब बातें करने का। तो कब होगा सही वक्त? अरे एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान तक दे देती है, और ये कैसी माँ है जो अपने पेट में पल रहे बच्चे तक को नहीं बचा पाई? कैसी माँ है ये? अरे यार प्रीति, तुम बीते हुए कल को लेके उदास होती रहोगी या आने वाले कल के लिए खुश भी होगी? कैसे खुश हो जाऊं यार मैं, मेरा बच्चा मेरी वजह से। अगर तुम नहीं होती तो क्या होता मेरा? मैं यही हूँ और आने वाले 40-50 साल के लिए भी यही हूँ। झेलने के लिए तैयार है ना मुझे? अंजू? हाँ? क्या हुआ? जब भी मैसेज आता है तुम सैड हो जाती हो, कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ भी नहीं है। चुपचाप से मुझे बता दो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। क्या है ना यार प्रीति, पैसों का बहुत टेंशन है, ढाबे के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और मेरी सासू माँ, उनको शादी धूमधाम से करवानी है, कैसे होगा सब, कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बोला क्योंकि तुम्हारी अपनी बहुत परेशानी है और मैं और नहीं देना चाहती। तुम कैसी बात कर रही हो, मेरी टेंशन लेने के लिए मेरा पति है ना, और तुम्हारी टेंशन लेने के लिए मैं हूँ। जल्दी से बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बस, तुम्हें क्या लगता है कि पैसे पेट पे उगते हैं जो तुम पर और तुम्हारी फालतू की सहेलियों पर खर्च करूं मैं? मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है पहले? उल्टा मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ झेला है। झेलना होता क्या पता भी है तुमको? प्रेग्नेंट तुम नहीं हो पा रही थी, अपनी बहन को यहाँ मेरे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, और इन सब के बावजूद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा एहसान मानूं? हाँ, एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा तुम्हें, ये बात ना अपने दिमाग में बिठा लो। दीदी। हाँ? सारा सामान अंदर रख दिया है, आप रुकेंगी क्या अभी? नहीं, मैं भी बस निकल ही रही हूँ, वो वीरो को फोन कर रही थी, पता नहीं कहाँ उठा नहीं रहा, आप चलो। ठीक है दीदी। कहाँ हो यार? मैं निकल रही हूँ, मैं हाईवे की तरफ जा रही हूँ, मुझे वहीं मिलो। मेरा कॉलेज है यहाँ, दोस्त हैं, और भी बहुत कुछ है मेरे पास करने को, आपको जाना है तो जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। प्रीति तुम भी यहीं रुको, ये लड़की अकेली यहाँ नहीं रहेगी, कौन करेगा इसकी सेवा? खुद से तो ये एक ग्लास पानी भी नहीं उठा सकती। मम्मी जी, मुझे मायके जाना है, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। अभी माँ प्लीज, अगर वो नहीं रुकना चाहती ना, उसके साथ जबरदस्ती करके कोई फायदा नहीं है। अभी या तो ये दोनों बहनें यहाँ रहेंगी या दोनों ही जाएंगी, मैंने कह दिया बस कह दिया।
पानी बताइए क्या कंप्लेंट लिखवानी है? सर मेरी फ्रेंड अंजू कल से मिसिंग है, उसका फोन भी बंद आ रहा है सर, और वो घर पर भी नहीं है सर। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मिसिंग है? हो सकता है कहीं चली गई। सर उसने ऐसा कभी नहीं किया, वो बिना बताए कभी कहीं नहीं गई। प्लीज उसे ढूंढ लीजिए, वो जरूर किसी परेशानी में है सर, प्लीज। अरे यार क्या फर्क पड़ता है, बॉस नया हो या पुराना, होते तो खड़ूस ही है ना। कम से कम पुराने वाले की आदत तो थी, नए वाले की वापस आदत डालनी पड़ेगी। ओ बाय द वे शर्मा कह रहा था बहुत डिमांडिंग है ये। वो तो मैं हूँ, अगर नहीं होगा तो ऑफिस आवर्स में ऐसे ही गॉसिप चलती रहेंगी। सो आई एम सॉरी, आई नीड टू। दरवाजा तोड़ दीजिए, मैं आपको परमिशन दे रही हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा वो रात को घर आई थी या नहीं। आप इतनी परेशान क्यों, अंजू का परिवार नहीं है, उन्हें उसकी परवाह नहीं है। सर उसकी कोई फैमिली नहीं है सिवाय उसके मंगेतर वीरू के, और मुझे नहीं पता वो कहाँ है और अंजू को क्यों नहीं ढूंढ रहा है। देखिए वो जो कुछ भी है हम ऐसे ताला नहीं तोड़ सकते। सर क्या हुआ यहाँ पे आप लोग? सर यही है अंजू का मंगेतर वीरू। आपकी मंगेतर कहाँ है, हम उसे ढूंढते हुए यहाँ आए। मुझे खुद नहीं पता सर, मैं तो खुद उसे ढूंढता हुआ यहाँ पे पहुंचा हूँ। आपके पास घर की चाबी है? नहीं सर। तो फिर हमें ताला तोड़ना पड़ेगा, परम जी ताला तोड़वाओ। सर परम जी। जी सर। फिर चेक करो, आखिरी बार कब बात हुई थी अंजू से? कल दिन में अंजू के ढाबे पर ही उससे मिला था मैं, उसके बाद बात ही नहीं हुई। सर अब कॉलेज में थोड़ी ना पढ़ते हैं कि हर टाइम फोन पर लगे रहे, और दो दिन में शादी है हमारी सर, उसकी शॉपिंग के लिए हम शाम को मिलने वाले थे, मैंने जब फोन ट्राई किया तो उसका फोन नहीं मिला सर, बंद था, तो मुझे लगा शायद वो चार्ज करना भूल गई इसलिए बंद है, पर मैं भी थका हुआ था सर इसलिए मैं सीधा घर जाकर सो गया। सर लग तो नहीं रहा अंजलि घर वापस आई थी रात में, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन है सर। सिंह दो दिन में इस लड़की की शादी होने वाली थी, कुछ दिन में माँ भी बनने वाली थी, ढाबा चला रही थी सो अलग, कुछ फिट नहीं बैठ रही ये बात, सब कुछ तो इसकी लाइफ में ठीक चल रहा था, फिर ऐसे ही बिना किसी को बताए कहीं चली गई, पॉसिबल नहीं है। सर इसकी मोबाइल की लोकेशन रिकॉर्ड मंगवा ली है, उसकी लास्ट लोकेशन से शायद कुछ पता चले। जब तक सेल की लोकेशन नहीं आती ढाबे पर पता करो, आखिरी बार वो वहीं से निकली थी जब गायब हुई। सर कुछ बताया था कहाँ जा रही है? सर मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन दीदी बहुत जल्दी में थी। यार ढाबे पे कोई प्रॉब्लम, कोई मसला या कुछ आसपास? सर वो एक बग्गा नाम का आदमी दीदी को बहुत परेशान करता था। प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आता क्या, घुसता नहीं कुछ दिमाग में। तो ये बग्गा कल यहाँ ढाबे पे आया था या कहीं आसपास दिखा था? सर अंजू की लास्ट लोकेशन मिल गई है, यहाँ से निकलने के बाद की। आसपास चेक करो, किस तरफ देखो। सर ये फोन मिला है। सर ये अंजू का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, हाईवे के पास झाड़ियों में उसका फोन मिला है, टूटा हुआ है सर। ठीक है सर हम आसपास पूछताछ करते हैं। साहब मैंने तो कुछ देखा नहीं, धंधे का टाइम है, आप यूसुफ से पूछ लेना, वो बाहर रिक्शा चलाता है। साहब 6 बज रहा होगा, वो मैडम के पीछे से ही सफेद रंग की गाड़ी आई थी, जल्दबाजी में गाड़ी का नंबर तो मैं देखना भूल गया, लेकिन साहब गाड़ी के पीछे शेर का स्टिकर लगा हुआ था। सिंह अगर ये रैंडम किडनैपिंग होती तो अब तक फिरौती के लिए कॉल आ गई होती, मसला कुछ और ही है।
उस ऑटो वाले यूसुफ ने जिस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया था उस गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? एनी सीसीटीवी फुटेज? सर वो एरिया काफी आउटर में, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिलता। सबसे करीब का सीसीटीवी कैमरा 3 किलोमीटर दूर हाईवे पे। सर अंजू का मंगेतर वीरू आ गया है। सर अंजू के पति की डेथ हो चुकी है सर, एक एक्सीडेंट में 8 महीने पहले, और बच्चा भी अंजू के पहले पति से ही है। फिर भी अंजू से शादी करने जा रहे थे? सर प्यार दिमाग से नहीं दिल से किया जाता है। जब मैं पहली बार अंजू से मिला उसके ढाबे पर और मैंने अपने दिल की बात उससे कही, तो सर उसने सबसे पहले अपने पति के बारे में ही मुझे बताया था, और उस दिन से ही अंजू का बच्चा मेरा बच्चा हो गया। सर फिर वो बच्चा नहीं चाहता था, और उसकी माँ तो अंजू को कभी पसंद भी नहीं करती थी। अंजू बहुत प्रेशर में थी, एक तरफ उन दोनों का प्रेशर और दूसरी तरफ वो गुंडे जो उसके ढाबे के पीछे पड़े हुए थे। कौन गुंडे? वो बग्गा? सर नाम तो नहीं बताया उसने कभी मुझे, लेकिन उसके ढाबे की वजह से आसपास के सारे ढाबे वालों का नुकसान हो रहा था। सर अंजू एक औरत है और आसपास के सारे ढाबे वाले उसके साथ जबरदस्ती करके उसका ढाबा बंद कराना चाह रहे थे, और शायद उसे धमकियां भी आ रही थी। अंजू ने आपको तो उन धमकी भरे मैसेजेस के बारे में जरूर बताया होगा, किसके आते थे? एक दो बार पूछा था मैंने उसे सर, लेकिन कभी ज्यादा जोर नहीं डाला। अंजू क्या हुआ, कोई टेंशन है? नहीं कुछ भी नहीं। मुझे लगा वो टाइम आने पर मुझे खुद बता देगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो टाइम कभी आएगा ही नहीं। प्रीति जी कहीं आप हमें कहानी तो नहीं सुना रही हैं कोई? आपको अंजू के बारे में सब बातें पता है, उसके घर के बारे में, पति के बारे में, उसको धमकी भरे मैसेजेस आते थे वो भी आपको पता है, लेकिन सब आधी अधूरी। कि हमें धुआं भी दिखाई दे और आग के बारे में पता भी ना चले। सर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस उसकी चिंता हो रही है। वीरू को ये बच्चा नहीं चाहिए प्रीति, वो छोड़ देगा मुझे। जब से ये बच्चा मेरी जिंदगी में आया ना, सिर्फ मुसीबत लेकर आया ये मेरे। पहले मेरे पति की मौत हो गई और अब वीरू, वो छोड़ देगा मुझे। अंजू देखो सुनो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तुम सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा जब तक ये जिंदा है। एरिया के गुंडों का किडनैपिंग में कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, और बग्गा की लोकेशन के बारे में भी कुछ नहीं जानते। उन्हें कह दिया है कि अगर बग्गा की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले सबसे पहले हमें फोन कर। और वो टेक्स्ट जो अंजू को आया करते थे उसके बारे में कुछ पता चला? सर वो एक अनरजिस्टर्ड नंबर से आते थे, वो सिम किसने खरीदा था इसका पता लगा रहे। हेलो, ठीक है सर, हाईवे पेट्रोल टीम को एक सस्पिशियस गाड़ी नजर आई खानपुर एरिया में। ले चलो इन्हें बाहर, चल 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 चलो बाहर। क्या लगा रखा है पे, क्या लगा रखा है पे, क्या चल रहा है पे? हाँ गाड़ी किसकी है? लड़की का है, लड़की का है, लड़की का है, पता नहीं सर। सबके सब नशे में, गाड़ी की इन्फॉर्मेशन निकालो। सर वो कार पड़ोस में रहने वाले एक आदमी की है, पिछले एक महीने से गैराज में थी, आज वो कार ले आया और प्लॉट में खड़ी कर दी, क्योंकि उसके पास कार खड़ी करने के लिए जगह नहीं। और वो नशेड़ी लोग? सर वो तो किसी काम के नहीं, उस प्लॉट को अड्डा बना रखा, पूरा दिन वहाँ पे नशा कर। सर बग्गा का पता चल गया। देख भाई बग्गा, बकवास सुनने का जरा भी टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने कुछ नहीं किया, इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सीधी तरह से ही बता कि कल हाईवे पर क्या कर रहा था ढाबे के पास। साहब मैं तो हमेशा हाईवे के आसपास ही रहता हूँ वसूली करने के लिए, और संजू के गायब होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बोला था ना मैंने, नो बकवास, अगर तूने कुछ नहीं किया था तो फिर अपना फोन बंद करके कहाँ गायब था? दारू पी के सो गया था साहब, और फोन चार्ज नहीं था इसलिए बंद हो गया होगा। अंजू को धमकी भरे मैसेजेस देता था, कहाँ है अंजू, क्या किया है उसके साथ, जिंदा भी है या मार दिया? साहब जिन ढाबे वालों को उससे दिक्कत थी और जिन्होंने मुझे काम दिया था उसका ढाबा बंद करवाने के लिए, वो लोगों को तो पकड़ोगे नहीं आप लोग, और ये 20-25 हजार के लिए मर्डर नहीं करेगा बग्गा? इज्जत के लिए तो करेगा, पलूदा बना दिया था तेरी इज्जत का अंजू ने भरे बाजार में तेरी धमकियां ना मान करके। औरत ने तेरी औकात याद दिला दी थी तुझे,
साहब मैं सच बता रहा हूँ, मारना मत साहब, साहब सच 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 बता रहा हूँ। अरे साहब देखिए यहाँ मर्डर हो गया। फोन आप ही ने किया था? हाँ जी साहब। हाँ बड़े को चेक करो। जी सर। देखो ये क्या है, सर कोई बच्चा है। बड़े को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और वीरू को बुलाओ आइडेंटिफिकेशन के लिए। बॉडी को सबसे पहले आपने देखा? जी साहब। क्या देखा था? साहब ये मेरे खेत हैं, रोज मैं यहाँ पे चक्कर लगाने के लिए आता हूँ। कल जैसे ही मैं यहाँ से वापस जाने लगा मुझे एक हलचल सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी बड़ी तेजी से यहाँ से भाग रहा था, लेकिन मैं ठीक ठाक से देख नहीं पाया। किस तरफ गए? किस तरफ साहब? अभी अंजू का मेरे सिवाय कोई नहीं है, वो वीरू भी नहीं। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा उसके लिए? कोई करे या ना करे वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, और तुम्हारी इस भाग दौड़ की वजह से ना मैं तुम्हें और अपने बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। पिछली बार की तरह ना तुम्हें अपने बच्चे की जान नहीं लेने दूंगा। अभी पेट से है वो, और नहीं होती तो देख अभी कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, बता कौन सी पसंद है तुझे इसमें? अरे देख ना, और इसके लिए तो बता रहे थे बहुत अच्छे पैसे देंगे। ये क्या हो रहा है अभी? अभी क्या बताएगा, मैं बताती हूं। दूसरी शादी कर रही हूं इसकी। तुम तो मुझे पोता दोगी नहीं, तुम क्या चाहती हो मैं बिना पोते का मुंह देखे ही मर जाऊं? अभी दूसरी शादी? सच में तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी तुम जानते हो कि मुझमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं फिर से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तुम जानते हो कि कितना स्ट्रेस है मेरे ऊपर। अभी अभी देखो ना मेरी तरफ प्लीज। वीरू ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है, वो बॉडी अंजू की है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि अंजू की मौत से ठीक पहले उसकी डिलीवरी हुई थी। और सर उसके बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। ये माजरा क्या है? अंजू को पत्थर से कुचल के मारा गया, लेकिन उसके बच्चे को नहीं। सिंह ना तो हम अंजू को बचा पाए और ना ही उसके बच्चे को। अब कम से कम उसके किलर को पकड़ ले तो अंजू को इंसाफ मिलेगा। एक काम करो, अंजू को सारे कॉन्टैक्ट्स के बैकग्राउंड में जाओ, छोटी से छोटी चीज का पता लगाओ। पर ये उस अनरजिस्टर्ड नंबर की कुछ डिटेल्स आई हैं जिससे अंजू को टेक्स्ट किया जाता था। गुड़गांव की एक मोबाइल शॉप से 8 महीने पहले ये वहां से खरीदा गया था। गुड़गांव पुलिस को इन्फॉर्म करके इस दुकानदार से इस नंबर की डिटेल्स निकल लो, तब तक मैं रितु से बात करके आता। प्रीति की बहन रितु? एक साधारण सी मिसिंग कंप्लेन अंजू की लाश मिलने के साथ ही मर्डर केस में तब्दील हो चुकी थी, और ये सिर्फ मर्डर नहीं था बल्कि क्रूरता की हद थी। अंजू की जिंदगी में कई चीजें ऐसी थी जो उसकी हत्या का कारण बन सकती थी, मगर उसके अजन्मे बच्चे की हत्या ने पुलिस को भी चौंका कर रख दिया था। आखिर कोई क्यों ऐसे बच्चे को मारना चाहेगा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था? क्या ये इस केस में विभत्सता की हद थी या सिर्फ शुरुआत? मुझे कुछ टाइम अंजू के साथ अकेला चाहिए उसके जाने से पहले।
तो अंजू के ढाबे के पेपर अंगूठा लगवा रहे थे इस पे। सर वो अंजू शादी के बाद मेरे ही नाम करने वाली थी और मैं बस उसकी आखिरी इच्छा ही तो पूरी कर रहा हूँ सर। ऐसे चोरों की तरह? नहीं सर, उसने कहा था मुझसे। वो पेपर्स रेडी हुए क्या? पेपर्स हो जाएंगे रेडी, बोला है तो हो जाएंगे ना। मगर कहने के बाद भी अंजू ने ढाबा तेरे नाम नहीं किया था, इसलिए अंजू को मार दिया और अब चोरी छुपे अपना काम निकाल रहा है। लेके चलो इसे थाने, वहीं कायदे से बात होगी। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो आप कह रहे हो सर, कुछ नहीं किया। रितु, मैंने अंजू को टेक्स्ट किया था लेकिन उसने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। क्यों टेक्स्ट किया था? वो भी उस दिन जिस दिन अंजू के साथ ये हादसा हुआ? सर एक्चुअली मैं प्रीति से अलग अपने रेंट पे रहने का सोच रही थी ताकि मेरी वजह से उसे और उसके ससुराल वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर अंजू के ढाबे पर काम मिल जाता तो मेरा रेंट निकल जाता। ठीक है, अभी तो तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो फिर पूछताछ करें। ठीक है सर। पुलिस वालों की तरह तू मुझे भी बेवकूफ बना रही है। सच सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? यही बात मैं भी तुम्हारे बारे में बोल सकती हूँ, तुम्हारे और अंजू के बारे में। कुछ तो खिचड़ी पका रही थी तुम दोनों। क्या बकवास कर रही हो तुम रितु? मुझे बेवकूफ समझती हो लेकिन मैं हूँ नहीं। हाँ तुम झूठी जरूर हो। बहुत हो गया तुम्हारा, हद में रहो अपनी प्रीति, वरना हाथ उठाना मुझे भी आता है। तेरे जैसी बहन से दुश्मन अच्छे। गलती कर दी मैंने तुझे घर पे बुलाकर। गलती तुमने की है तो भुगतोगी भी तुम ही। सर सर सर, ये सही है कि मुझसे गलती हुई है सर ढाबे को लेकर, लेकिन मैं सच में अंजू से शादी करना चाहता था सर, और हमारी शादी से ही तो परेशानी थी सर सब लोगों को। किन लोगों को? किसने लिखा था वो नोट? सर पक्का तो नहीं कह सकता लेकिन हाँ, चार पांच लोग थे अंजू के मोहल्ले में जिन्होंने 2 महीने पहले तमाशा किया था, उनमें से कोई भी हो सकता है सर। इनको तो मैं अभी बताती हूँ, किसने लिखा ये? सामने आओ। रात के अंधेरे में दिखे अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो तुम लोग? हाँ मैं किसी से भी शादी करूं, कितनी भी शादी करूं, किसी का भी बच्चा पैदा करूं, तुम लोग को क्या लेना देना है? मेरा घर है ये। हमें कुछ नहीं करना, ये शरीफों का मोहल्ला है। तुम्हारे जैसी औरतों ने यहाँ बसकर पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया है। मैं तो अभी बताती हूं। अंजू क्यों लग रही इनके? एक बार अपनी हालत तो देखो। नहीं छोड़ो मुझे, अंदर चलो। छोड़ो, अंदर चलो तुम। सर अंजू के पति के बारे में तो नहीं जानती लेकिन उसकी मौत के 1 साल के भीतर बच्चा पेट में होते हुए शादी कर रही थी वो किसी से। ऐसी औरतों के आशिक और दुश्मनों की कमी थोड़ी ना होती है, मार दिया होगा किसी ने। छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्यों भागा हुआ है मुझे? छोड़ो मुझे, दो मुझे। जाने दो। और इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसका बच्चा? सर अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। सर अंजू यहाँ आने से पहले गुड़गांव में रहते थे, हमारी लोकल पुलिस उसके एड्रेस पर पहुंची तो पता चला कि उसकी शादी नहीं हुई थी सर, और सर पति के मौत की कहानी उसने झूठी बनाई थी सर। वो सिम भी तो गुड़गांव की मोबाइल शॉप से इशू हुआ था ना, जिससे अंजू को टैक्स आया करते थे। जी सर, लोकल पुलिस ने दुकानदार से पूछताछ की थी सिम के बारे में, वहाँ से पता चला कि सर विशाल खरबंदा के नाम से सिम इशू कराई गई थी। विशाल खरबंदा? ये विशाल खरबंदा कौन है? तो आप थे अंजू के बॉस? जी। उसे धमकी भरे मैसेजेस क्यों भेजते थे आप?
सर मैं उसे मैसेजेस जरूर भेज रहा था बट उसे मिलने के लिए। और क्यों बुलाना चाहते थे उसे? सर वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मुझसे और पैसे चाहती थी। मैं उसे ऑलरेडी 10 लाख दे चुका था ढाबा खोलने के लिए। ऐसा क्या रीजन था अंजू के पास जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी? दूर हटो मुझसे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो? सुनो मेरी बात, तुम्हारा तलाक कल हो या आज हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम पीछे हट रहे हो। अंजू फॉर गॉड सेक धीरे बोलो, बाहर ऑफिस। आई डोंट केयर, सुनने दो सबको। यू नो व्हाट, अगर तुमने मेरे और मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर नहीं किया ना इस ऑफिस में तो क्या पूरी दुनिया में बता दूंगी मैं कि ये बच्चा तुम्हारा है। अंजू, विशाल से ब्लैकमेलिंग, वीरू से झूठ बोलकर शादी, इस अंजू का भी पता नहीं किस किस से क्या झूठ बोला हो। एक काम करो सिंह, इस विशाल के लिए भाई चेक करो, पता करो मर्डर वाले दिन ये जलंधर में था या नहीं। सर विशाल का अंजू के साथ कनेक्शन था लेकिन उस दूसरी औरत से। सिंह फिलहाल तो किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है जब तक कि सच सामने ना आ जाए। सर उस दूसरी औरत का सच सामने आ गया, उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया, उसका नाम मनप्रीत कौर। सर 3 दिन से गायब थी मनप्रीत कौर, उसके हस्बैंड ने हमारे थाने में मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई थी। ये देखिए सर, वो 9 मंथ से प्रेग्नेंट भी थी। हम उसके बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला सर। गुरुवार की सुबह मॉडर्न योगा क्लास के लिए निकली थी, देर रात तक घर नहीं आई तो परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया। अंजू भी तो इसी योगा क्लास में जाया करती थी ना, मॉडर्न योगा क्लास। बीना जी, मनप्रीत और अंजू दोनों आपके यहाँ योगा क्लासेस लेती थी, दोनों एक ही बैच में थी और दोनों के बीच का कनेक्शन थी आप। आपको ये कनेक्शन कभी दिखा नहीं? नहीं सर, नहीं दिखा। और मुझे तो मनप्रीत के बारे में ऐसा कुछ पता भी नहीं था। मुझे लगा 9th month पूरे हो चुके हैं, उसकी डिलीवरी हो चुकी होगी, इसीलिए वो क्लास में नहीं आती। बीना जी, आपको छुपा तो नहीं रही है ना हमसे, क्योंकि मनप्रीत के बच्चे की जिंदगी का सवाल है। नहीं सर, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? ये प्रीति अंजू की फ्रेंड, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर प्रीति मेरी अच्छी क्लाइंट रही है और अंजू और मनप्रीत की अच्छी दोस्त भी थी। सुबह योगा क्लास के लिए गई थी, उसके बाद ना कोई खबर है ना कोई फोन मिल रहा है, पता नहीं कहाँ पे गई है सर वो। योगा क्लास? जी सर, मैंने सुबह फोन किया था उनको, उन्होंने कहा कि वो वहाँ नहीं आई। सर आप प्लीज उसे ढूंढिए सर, प्लीज सर, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए सर। मेरे बीवी बच्चों को बचा लीजिए सर। चिंता मत करो, हम कोशिश करेंगे। सर प्रीति को जाते हुए तो देखा था पर वो ना थोड़ा जल्दी में थी। सर ये खूब लड़ते झगड़ते थे, इनके घर में से वाची आती थी। कुछ दिन पहले की बात है, प्रीति और रितु को मैंने आपस में लड़ते हुए देखा। सर कहना तो नहीं चाहिए पर मुझे लगता है कि रितु और अभी के बीच में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। सर ये बकवास किसने कर दिया आपको? ऐसा लग नहीं रहा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखकर कि ये सब बकवास है। अभी तुम्हारे बीवी और बच्चे की जान खतरे में है, अब तुम डिसाइड करो तुम्हें टाइम पास करना है या सब कुछ सच सच बताना है। जी सर, रितु और मेरा अफेयर चल रहा था लेकिन सर इन सब के बावजूद ना मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ। ये अजीब प्यार है तुम्हारा अपनी बीवी के लिए कि उसी की बहन के साथ तुम अफेयर भी कर रहे हो? प्रीति ये सब जानती थी, इनफैक्ट उसी ने ये सब करने के लिए कहा था। मेरी खुद की बहन ने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे अपने पति के साथ सोने के लिए बोला ताकि मैं उसे और अभी को एक बच्चा दे सकूं और अभी उसे छोड़कर किसी और दूसरी औरत के साथ शादी ना कर ले। लेकिन सर जैसे ही प्रीति खुद प्रेग्नेंट हुई मुझे अभी को छोड़ने के लिए कहने लगी। सर मेरे मन में अभी के लिए फीलिंग्स हैं तो ऐसे कैसे छोड़ दूँ? सही कह रही हैं आप, ऐसे कैसे छोड़ दें किसी को, गुस्सा तो आएगा ही, इसीलिए शायद प्रीति को गायब कर दिया आप। सर मैंने आपको सब कुछ सच सच बता चुका हूँ, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है वो। एक बच्चा ना मैं पहले खो चुका हूँ, अब दूसरा नहीं खो सकता। सर प्लीज उसे ढूंढिए सर,
देखिए प्लीज उसे ढूंढिए सर। एक मिनट, बच्चा खो चुका हूं मतलब? प्रीति पहले भी प्रेग्नेंट थी, एक एक्सीडेंट की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था सर। मेरी किस्मत में नहीं है कि अपने बच्चे का मुंह देख पाऊं। ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? भगवान पे भरोसा रख, तेरा बच्चा जिंदा भी हो गया। अभी प्रीति, प्रीति देखिए सर, मेरी बीवी और मेरे बच्चे दोनों ठीक है, बाकी आपको जो पता लगाना है आप लगाइए, वो आपका काम है। अपना ही काम कर रहे हैं हम, प्रीति से बात करनी है हमें। तो आप डॉक्टर से बात कीजिए सर, वहाँ अंदर प्रीति का चेकअप चल रहा है। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? हाँ, बस थोड़ा कॉशन लेने की जरूरत है, माँ और बच्चा दोनों को डिहाइड्रेशन हुआ है। हम प्रीति से बात कर सकते हैं? आई डोंट नो सर, इमोशनल ट्रॉमा से अभी वो गुजर रही है, अपने बच्चे तक को वो हाथ नहीं लगाने दे रही, मुझे नहीं लगता वो आपकी मदद कर पाएगी। लेकिन हमारा प्रीति से बात करना ज्यादा जरूरी है, कोई है जो प्रेग्नेंट लेडीज को अपना निशाना बना रहा है, और सिर्फ प्रीति ही है जो हमें उस तक पहुंचा सकती है। प्रीति सर, पूछिए जो पूछना है, मैं सब बताऊंगी। सर, उसने मास्क और ग्लव्स दोनों पहना हुआ था, मैंने तो उसकी आवाज भी नहीं सुनी। लेकिन प्रीति, तुम तो वहां से भाग के आई हो ना, रास्ता तो तुम्हें ध्यान होगा जहां तुम्हें रखा गया था। परमजीत, फोरेंसिक टीम को बुलाओ। तीनों विक्टिम्स के सर्कमस्टेंसेस अलग, तीनों के प्रॉब्लम्स अलग, एक्सेप्ट कि वो तीनों ही प्रेग्नेंट थी। सर, उस रूम से मिले प्रीति के ब्लड की लैब रिपोर्ट आ गई सर, आपको देखनी चाहिए सर। सर, प्रीति से मिलना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया सर। बहुत सुन लिया हमने, ये इसमें तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट है जो हमें तुम्हारे डिलीवरी वाले रूम से मिली। साफ साफ लिखा है इसमें तुम्हारे ब्लड में प्लेसेंटा है ही नहीं, जो एक प्रेग्नेंट लेडी के ब्लड में होना जरूरी है। मतलब ये कि आपकी बहू कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। इसकी प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक आपसे झूठ बोला इसने, इसीलिए तुमने डॉक्टर को अपने बच्चे को छूने तक नहीं दिया था। अपने बच्चे तक को वो हाथ नहीं लगाने दे रही। डॉक्टर इस बच्चे को देख लेती या छू लेती तो उसे पता चल जाता कि ये बच्चा 6 से 7 दिन पहले हुआ था, और किडनैपिंग का नाटक तो तुमने 2 दिन पहले किया था, यानी कि ये बच्चा तुम्हारा है ही नहीं। नहीं, ये बच्चा मेरा है। ठीक है, तो हम इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद साफ हो जाएगा, और इस बच्चे को तुम एक पल भी अपने पास नहीं रख पाओगे। नहीं, मैंने तो ये बच्चा, अगर मैंने ये बच्चा खो दिया तो ये लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी बचाने के लिए ये सब किया। पहले बच्चे को खोने के बाद इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। या तो ये दोनों बहनें यहाँ रहेंगी या दोनों ही जाएंगी, और अभी तो दूसरी शादी करना चाहते थे। चित्र को मैं अपनी शादी बचाने के लिए लेकर आई थी, लेकिन ये तो मेरी शादी खराब करने में तुली हुई थी। सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? यही बात मैं भी तुम्हारे बारे में बोल सकती हूँ, तुम्हारे और अंजू के बारे में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इसीलिए मैंने प्रेगनेंसी का नाटक किया। मतलब किसी और का बच्चा तो मेरे गले बांधने वाली थी, और इतने टाइम से हम सबको बेवकूफ। अरे ज्यादा मर्दानी की दिखाने की जरूरत नहीं, वहीं खड़े हो जाओ। आप मेरे बेटे को बोल रहे हैं जबकि सारा प्रपंच इस औरत का रचा हुआ है। प्रपंच इसका नहीं, इस प्रपंच में आप और आपका बेटा दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर आप लोगों ने प्रीति के ऊपर बच्चा पैदा करने के लिए प्रेशर नहीं डाला होता तो आज ये सब होता ही नहीं। पता नहीं आप जैसे लोग कब एक औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन की बजाय एक इंसान समझेंगे। प्रीति, क्या अपनी फेक प्रेगनेंसी को साबित करने के लिए ही तुमने अंजू को मारा? नहीं नहीं, मैंने अंजू को नहीं मारा, उल्टा वो तो मेरी मदद करना चाहती थी सर। वीरो को तो ये बच्चा वैसे भी नहीं चाहिए प्रीति, तो
डिलीवरी होते ही मैं ये बच्चा तुम्हें दे दूंगी। मैं अभी मायके जाने की सोच रही हूँ, पर रितु रितु है कि जाने को तैयार ही नहीं है। अब तुम बताओ, अगर मैं मायके नहीं गई तो ये बच्चा कहाँ बदलेंगे हम लोग? कहीं रितु को कुछ शक तो नहीं हो गया है? और डाउट की तो कोई वजह ही नहीं है, पर सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से। अंजू के गायब हो जाने के बाद मेरी मुसीबतें बढ़ गई थी, मैं क्यों मारूंगी उसे सर? हो सकता है अंजू की ममता जाग गई हो, तुमने अंजू के साथ जबरदस्ती की होगी। अंजू का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ जो तुम्हारे किसी काम का नहीं था, इसीलिए तुमने अगला शिकार मनप्रीत को बनाया। ये बच्चा मनप्रीत का ही है ना? हाँ, ये मनप्रीत का बच्चा है, लेकिन मैंने मनप्रीत को नहीं मारा है। तो फिर मनप्रीत का बच्चा तुम्हारे पास आया कैसे? वो मैं आपको नहीं बता सकती, मैंने किसी से वादा किया हुआ है। देखो प्रीति, अगर तुम हमें सच नहीं बताओगी तो जेल जाओगी, और ये बच्चा भी तुम्हारे पास नहीं रह पाएगा। अगर तुम हमारी मदद अंजू और मनप्रीत के कातिल को पकड़वाने में करोगी तो हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। कौन हो तुम? मैं रघु, मैं तुम्हारे लिए बच्चा लेकर आया हूँ, तुम्हारी दोस्त मनप्रीत का। चलो बताओ, तुमने ये सब क्यों और कैसे किया? स्पीड से कार चलाने की वजह से मुझसे प्रीति का एक्सीडेंट हो गया, और मेरी वजह से उसका बच्चा भी छीन लिया। तो बस मैंने भी ठान लिया कि कुछ भी करके उसका बच्चा मैंने लौटा दूंगा। और इसलिए तुमने अंजू को उठाया, जब अंजू का बच्चा मरा हुआ पैदा निकला तो तेरे किसी काम का नहीं था, इसीलिए तूने मनप्रीत को अपना शिकार बनाया। मैं बैठी हूँ, मुझे जाने दो, क्यों? नहीं, छोड़ दो। अंजू की तरह मनप्रीत को भी नहीं उसका बच्चा चाहिए था, बस मैंने वो ही किया जो दोनों चाहती थी। प्रीति का एक्सीडेंट भी तूने किया, बच्चा भी तूने ही लाके दिया, माजरा क्या है ये? मुझे उसका दुख देखा नहीं जा रहा था, उसकी सास, उसका पति, उन्होंने उसकी जिंदगी नरक बना दी थी, तब से मैं उस पर नजर रखने लग गया। लेकिन तू होता कौन है, भगवान है क्या? भगवान तो नहीं, गलतियां तो सुधार सकता था ना। कौन सी गलतियां? वही कि प्रीति मां बनने के लिए मरी जा रही थी, और अंजू और मनप्रीत को बच्चा ही नहीं चाहिए था, ये गलती नहीं तो और क्या है? इसे लगता है इसने भगवान की गलती सुधार के बहुत अच्छा काम किया, सच तो इसे पता ही नहीं है। कैसा सच? सच्चाई ये है कि अंजू अपना बच्चा प्रीति को देने वाली थी, वो भी सबसे छुपकर, ताकि प्रीति को टॉर्चर ना सहना पड़े, लेकिन तूने उन दोनों के बीच में आकर सारा खेल खराब कर दिया। अंजू और मनप्रीत तो अपनी जान से गई, प्रीति की जिंदगी और बर्बाद कर दी थी। रघु के एक तरफा प्यार ने कई जिंदगियों को समय खत्म जरूर कर दिया था, मगर इस केस की पृष्ठभूमि हमारे समाज ने ही तैयार की थी। ऐसा समाज जो औरतों से सिर्फ परफेक्शन की उम्मीद करता है, मगर माँ ना बन पाने का जो अपराध बोध एक औरत के अंदर पैदा किया जाता है, जो कि उसे तोड़ कर रख देता है। इस केस की जड़ में भी प्रीति का वही अपराध बोध था। इस केस में अंजू और उसका बच्चा बच सकता था। मनप्रीत एक ऐसी मौत नहीं मरती जो उसे मिलनी ही नहीं चाहिए थी। प्रीति को वो सब कुछ मिल सकता था जिसके लिए उसने इतने सारे झूठ बोले थे, और ये सब होने के लिए बस इतना ही काफी था। अगर औरत को समाज द्वारा देवी नहीं बल्कि सिर्फ एक इंसान समझा गया होता। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।